नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी सैमसंग मोबाइल पर यदि आपका नेटवर्क रजिस्टर नहीं हो पाते तो आप दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पर मैं आपको सॉल्यूशन और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ टिप्स बताऊँगा, ठीक है, क्यों यहाँ पर दोस्तों आपको यह प्रॉब्लम आ रहा है और दोस्तों आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। ये सभी बातें दोस्तों मैं इसी वीडियो के अंदर पे आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपका जो नेटवर्क है वो रजिस्टर्ड नहीं है, यदि यहाँ पर दोस्तों रजिस्टर्ड नहीं, यहाँ पर दोस्तों आपको बता रहे कि यहाँ पर दोस्तों आपका जो नेटवर्क है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर यह प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यह भी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहेगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकआउट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आइए हम वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यदि आपका जो नेटवर्क है वो रजिस्टर यहाँ पर, ठीक है, शो नहीं करते रजिस्टर्ड यहाँ पर दोस्तों नहीं है ऐसा बोलते हैं आपका जो मोबाइल है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले तो दोस्तों अपना मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखिए। यदि मोबाइल रिस्टार्ट से काम होता है तो ठीक है, यदि रिस्टार्ट से नहीं होते तो आपको दोस्तों एक दफ़ा दोस्तों आपका जो सिम कार्ड है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, इजेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों दोबारा से आप इसको इंसर्ट करके देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है, वो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रीज़न रहते हैं इसके पीछे में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क यदि रजिस्टर नहीं होते तो आपको ये सब यहाँ पर करके देखना होगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर इजेक्ट करके इंसर्ट करके भी देखिए, यदि उससे काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप कनेक्शन पर जाइए, एयरप्लेन मोड करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एयरप्लेन मोड वगैरह दोस्तों आप पूरा यहाँ पर कम्प्लीटली करके देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों सिम कार्ड मैनेजर पर आप जाइए, ठीक है, तो सिम कार्ड मैनेजर पे जाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाके अपना जो सिम कार्ड है उसको डीएक्टिवेट कर देना है। तो आप यहाँ से दोस्तों इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा डीएक्टिवेट कीजिए, उसके बाद दोस्तों इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बाद दोस्तों आप जाइए आपका मोबाइल नेटवर्क्स पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नेटवर्क कनेक्शन को स्विच कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 2G कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों नेटवर्क ऑपरेटर पर जाइए और मैन्युअली सेलेक्ट कीजिए नेटवर्क को, ठीक है। मैन्युअली सेलेक्ट कीजिए, आपको जो है नेटवर्क मिल जाएगा। तो यहाँ से ही दोस्तों आप जो है नेटवर्क को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2G में आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कोई कोई जगह पे ऐसा क्या हो जाता है कि नेटवर्क्स अवेलेबल नहीं रहते, ठीक है। आपके पास यदि 3G अवेलेबल है, 4G अवेलेबल नहीं है, तो आप उसमें कनेक्ट करके नेटवर्क यदि सर्च करते तो आपको दोबारा से प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 2G को आप सर्च करके देखिए सबसे पहले। तो यदि दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है आपका नेटवर्क जो है वो रजिस्टर हो जाता है, तो आप दोस्तों यहाँ पर सिंपली जो है आप 4G में दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले आप 2G पे कनेक्ट करके आप दोबारा से 4G कर सकते हैं। तो ये सेटिंग दोस्तों आप यहाँ पर कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप नेटवर्क कनेक्शन को पूरा रिसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सेटिंग शो कर देता हूँ, ठीक है। आपको जाना होगा जनरल मैनेजमेंट पे, उसके बाद रिसेट में जाके अपना जो यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग रिसेट है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कम्प्लीटली रिसेट कर देना है, ठीक है, आपका नेटवर्क को। तो ये रिसेट करने के बाद दोस्तों आप चेक कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। तो आप दोस्तों ये सॉल्यूशन यहाँ पर करके देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो भी अपडेटेड नहीं है तो सॉफ्टवेयर को भी आप अपडेट करके यहाँ पर दोस्तों मोबाइल को यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये सब सॉल्यूशन करके देख लीजिए, इससे आपका प्रॉब्लम जरूर फिक्स हो जाएगा। यदि फिक्स होता है तो ठीक है, यदि फिक्स नहीं होता है आपका प्रॉब्लम, और दोस्तों अभी आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका नेटवर्क जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर दोस्तों आपको क्या करना होगा, यदि आप यहाँ पर एयरटेल सिम यूज़ करते हैं तो आप किसी दोस्त का या फिर किसी रिलेटिव का आप एयरटेल सिम से अपना जो नेटवर्क ऑपरेटर है उसको कॉल कीजिए, ठीक है। आपका जो कस्टमर केयर है उसको कॉन्टेक्ट करके आप पूछिए कि आपका जो सिम कार्ड है उसमें नंबर जो है आप उसको बताएं, और दोस्तों आप पूछिए कि आपका जो यहाँ पर नेटवर्क है वो रजिस्टर क्यों नहीं है ऐसा बता रहे, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों वो आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, और दोस्तों आपका प्रॉब्लम भी यदि है तो आपको दोस्तों वही फिक्स करके देगा, ठीक है। तो आप ये सॉल्यूशन लास्टली कर सकते हैं यदि आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होते तो आप इन्हीं सॉल्यूशन के मदद से दोस्तों आपका जो यहाँ पर नेटवर्क रजिस्टर्ड नहीं है उसको आप रजिस्टर करवा सकते हैं और आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जो ये वीडियो पसंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।